हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ट्रिपल आईटी कोट्टायम के बारे में। ये आपकी केरल में स्थित है और इसके बारे में हम सब कुछ देख रहे होंगे। इसके एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो अपना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको न्यूज़ चाहिए जेईई से रिलेटेड या फिर 12th से रिलेटेड या फिर कोई भी एजुकेशनल कंटेंट, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। एडमिशन इसमें आपका वही जेईई मेंस के थ्रू होता है, मतलब मोस्टली ट्रिपल आईडीज में जेईई मेंस के थ्रू होता है। उसके बाद आपको जोसाई काउंसलिंग करानी होती है। और अभी तक आप ये सीरीज़ देख रहे होंगे तो आपको ये बात पता ही चल गई होगी, राइट। अगर हम बात करें यार इसके कोर्सेज की, तो इसमें वही आपकी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इसमें आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसके कैंपस एरिया की, तो आपको 53 एकर्स का इसका कैंपस एरिया देखने को यहाँ पर मिल जाता है। बात कर ले यार इस कॉलेज में यहाँ पे आपकी सीट इंटेक के मतलब कितने बच्चे आते हैं, तो अगर हम देखें ईयर वाइज, तो यहाँ पर जो डार्क ग्रीन है वो 2019 में आपके 126 आए थे, उससे लाइट ईयर में आपके 2018 में 87 आए थे, उससे पहले आपके 60 आए थे, और लाइट वाला जो आपको 2016 उसमें 30 ही बच्चे थे। मतलब स्टूडेंट नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ये कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चे इस कॉलेज में जाना आप पसंद कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें इस कॉलेज में स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स की, तो आपको हाँ आप किसी भी बैंक से अपना लोन पास करा सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, कोई रोकाटाकी नहीं होगी। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, तो वही आपकी जो नेशनल स्कॉलरशिप जो और कॉलेजेस के लिए लगती है, वही आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें यार आपका फ़ीस स्ट्रक्चर देखें, तो फीस आपकी देखें यहाँ पर, तो ट्यूशन फीस आपकी 99,000 लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी 99,000 लगती है, सेकंड ईयर में देखें तो 108,900 रुपये लगती है, थर्ड ईयर में भी आपकी यही, और फोर्थ ईयर में भी आपकी 108,900 रुपये लग रही होती है। हॉस्टल की बात करें, तो आपके यार 23,000 रुपये लगभग लग रहे होते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में, और अगर हम सेकेंड ईयर में देखें तो 25,000 आपके लगने लगते हैं, थर्ड ईयर में आपके 27,950 लगभग 28,000 चली जाती है, और आपके फोर्थ ईयर में लगभग 30,750 मतलब 31,000 के आसपास आपकी हॉस्टल फीस हो जाती है। बात करें मैथ्स की, तो आपकी फर्स्ट ईयर में 21,000 रुपये जा रहे होते हैं मैथ्स के, और 4 साल तक 21,000 ही लगेंगे, राइट। यहाँ पर एक इंश्योरेंस होता है, वो आपके 950 रुपये उसके आपको देने पढ़ रहे होंगे। तो ये थी यार आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, यहाँ पर लगभग 1,00,000 रुपए की आपकी फ़ीस है, उसके बाद हॉस्टल और मैस मिला के लगभग 50,000 का यहाँ पर खर्चा आ जाता है, तो आपके लगभग 1.5 लाख की पर सेमेस्टर फ़ीस यहाँ पर बन रही है, राइट। अगर हम बात करें इसके प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट हम थोड़ा पहले 2020 से 21 का देख लेते हैं, फिर 2022 का भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाईएस्ट CTC देखें, तो यार आपका 36 लाख था 2020 से 21 वाले बैच में, तो यहाँ पर 36 लाख हाईएस्ट था, एवरेज पैकेज 9.07 था, इंडिविजुअल प्लेसमेंट जो लोगों की प्लेसमेंट हुई थी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 44, राइट। अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑफर्स कितने आए थे, तो 97 ऑफर्स आए थे, और प्लेसमेंट परसेंटेज था आपका 88। अब इसमें से यार जो हायर स्टडीज़ के लिए बच्चे गए उनको निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, राइट। ये सारी जो आपकी इंटर्नशिप के लिए कंपनीज यहाँ पर आती हैं, ये सिर्फ इंटर्नशिप के लिए आती हैं, प्लेसमेंट्स के लिए अलग कंपनीज यहाँ पर आ सकती हैं, या इनमें से भी प्लेसमेंट हो सकता है। तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, तो यहाँ पर आपका विप्रो आ रही है, बोस्ट आ रही है, TCS आ रही है, जियो आ रही है, और भी ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। बात करें यार इससे जो आपका 2020 का ईयर है, उसमें आपकी क्या प्लेसमेंट स्टेट रहे हैं, तो 2021 का हमने देख लिया, 2020-22 की जो मतलब रिसेंट वाला है, 2022 की जो आपकी देखें, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 42 लाख गया था, ठीक है, जो कि बढ़ के मतलब पहले था 36 लाख, फिर हो गया 42 LPA। उसके बाद अगर हम देखें, तो 10 लाख एवरेज पैकेज हो गया, 10.5 लाख के आसपास, पहले था 9, अब हो गया 10.5 के आसपास, जो कि एक अगेन बहुत अच्छी बात है यार कॉलेज के लिए। इंडिविजुअल जो आपके हैं वो बढ़ के 67 हो गए हैं 45 से, और नंबर ऑफ ऑफर्स डबल हो गए हैं जस्ट एक साल में, पहले 97 थे, अब 200 ऑफर्स आपके यहाँ पर बच्चों को मिले हैं, और प्लेसमेंट अभी तक स्टिल गोइंग ऑन है, मतलब अभी और ऑफर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो कॉलेज धीरे धीरे यार बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल पे ग्रो कर रहा है, और अगर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टॉप की NIT नहीं मिल रही, कोई और ट्रिपल IT नहीं मिल रही, तो आप इसमें जाने की सोच सकते हैं, राइट। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। बात करें यार इसकी कट ऑफ की, तो मैंने CSAB राउंड की आपकी कट ऑफ निकाली है, जो सा कि 6 राउंड की भी निकाल सकता था, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल यार एंड कट ऑफ देखने में मज़ा आता है, तो बिल्कुल मैं एंड वाली ही दिखा रहा हूँ आपको। तो तीनों ब्रांचेस की हम यहाँ पर देख लेते हैं। बात करें यार कंप्यूटर साइंस की जनरल रैंक पे, तो आपकी क्लोज हो गई थी 38,821 पे। ओपन कैटेगरी में फीमेल का अगर हम देखें जनरल कैटेगरी में, तो 36,500
61 तक गई थी। ओपन पीडब्ल्यूडी में देखें तो 3,33,000 तक सीसैब में चली गई थी। अब ये कैटेगरी रैंक नहीं है यार आपकी, सीसैब में आपकी सीआरएल रैंक काउंट होती है, लेकिन आपको कैटेगरी का फायदा वहां पर मिल रहा होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो आपकी 45,316 तक जा चुकी थी आपकी क्लोजिंग रैंक। ओबीसी एनसीएल में 52,390, एससी कैटेगरी में 181,776, एससी कैटेगरी में आपकी 181,000 के आसपास तक क्लोज हो गई थी। बात करें आपकी कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी वाली जो ब्रांच है उसमें ओपन कैटेगरी में आपकी 41,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 48,232 तक गई थी। आपकी अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल की तो आपकी 55,000 पे ओबीसी क्लोज हो गई थी। एससी कैटेगरी में आपकी 182,968 पे, एसटी कैटेगरी में आपकी 262,867 तक कट ऑफ गई थी। बात करें ओपन कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तो आपकी 50,683 तक गई थी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 59,000 मतलब लगभग 60,000 तक आपको मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपकी 65,762 पे क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी में देखें तो आपकी 1,95,000 पे क्लोज हो गया था और एसटी कैटेगरी में आपकी 2,94,000 मतलब 3,00,000 तक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बात करें यार हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह की तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, ट्रिपल शेयरिंग रूम वगैरह देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसके मेस के फूड की तो वो भी आपका यार अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको कोई ज़्यादा बड़े इशू नहीं आएंगे। अगर हम इसके फेस्ट की बात करें तो आपकी दो फेस्ट होती है, आपके एक इलांस फेस्ट होती है और एक आपकी ध्रुवा फेस्ट होती है। इलांस आपकी एनुअल फेस्ट होती है और ध्रुवा आपकी टेक्निकल फेस्ट यहाँ पर हो रही होती है। तो होपफुली यार इस कॉलेज के बारे में, इस ट्रिपल आई टी के बारे में मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ। इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं यार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जेई मेंस आने वाला है। जेई मेंस की कोई भी न्यूज़ मिस ना हो जाए, कोई भी आपकी बोर्ड्स की न्यूज़ मिस ना हो जाए, तो बहुत सारे कॉलेजेस भी आ रहे हैं तो कुछ भी मिस ना हो जाए आपसे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।